मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में 28 नवंबर को होने वाले मतदान और राजस्थान विधानसभा चुनावों में अवैध रूप से आने जाने वाली शराब, रुपए और हथियारों को देखते हुए धौलपुर जिले में पुलिस प्रशासन अलर्ट है। पुलिस के साथ आबकारी पुलिस द्वारा जिले की मध्य प्रदेश और यूपी की सीमाओं से गुजरने वाले सभी प्रकार के वाहनों की सघन चेकिंग कर तलाशी ली जा रही है। धौलपुर और मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की सीमा चंबल चेक पोस्ट बरेठा और बसैनवा पर पुलिस आने जाने वाले वाहनों की सघन तलाशी कर रही है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में 28 नवंबर को मतदान होना और राजस्थान विधानसभा चुनाव का मतदान 7 दिसंबर को होना है। चुनावों के दौरान अवैध शराब, हथियार और रुपयों का आदान प्रदान होता है, जिस पर पुलिस प्रशासन और आबकारी पुलिस द्वारा समय समय पर कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। नेशनल हाईवे संख्या 3 पर पुलिस के जवान हथियारों से लैस होकर निगरानी बनाए हुए हैं। ब्रजेश कुमार उपाध्याय यहाँ पर सागरपाड़ा चेक पोस्ट पुलिस चौकी पर स्थिति निगरानी दल SST में प्रभारी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य कर रहा हूँ। मेरे साथ मेरे अलावा 8-8 घंटे की 3 शिफ्टों में ड्यूटी देने वाले 2 दल और हैं। मेरे अलावा 24 घंटे इस पोस्ट पर चौकी पर वाहन गुजरने वाले सभी वाहनों की चेकिंग की जा रही है। 12 तारीख से 12 नवंबर से हम लोग यहाँ पर लगातार ड्यूटी में संलग्न हैं और एक दिन में कम से कम हम जो 500-700 वाहनों की चेकिंग कर लिया करते हैं। अभी तक हमें कोई भी ऐसा अवैध सामग्री जिससे कि चुनाव में मतदाता को प्रभावित करने के लिए किसी प्रकार की सामग्री, कैश या शराब का वितरण किया जाने की संभावना बनती है, कोई सामग्री अभी तक हमें बराबर नहीं हुई है। लेकिन चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, गतिविधियाँ जो भी बढ़ेंगी तो हम भी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद हैं और किसी प्रकार की यहाँ पर कोताही ड्यूटी के प्रति नहीं बरती जा रही है और सभी लोग अपनी ड्यूटी के लिए मुस्तैद हैं। वाड़ी कस्बे में जिला मुख्यालय से सरगम सप्ताह के तहत मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए जिला परिषद कार्यकारी अधिकारी के नेतृत्व में बारात पहुंची, जहां वधु पक्ष वाड़ी SDM ने स्थानीय प्रशासन के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया। गौरतलब है कि 7 दिसंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से बस द्वारा बारात बाड़ी उपखंड मुख्यालय पहुंची, जहां कन्या पक्ष के रूप में बाड़ी उपखंड प्रशासन ने गर्मजोशी से आगवानी की। धौलपुर से बारात EVM मशीन के पिता जिला परिषद कार्यकारी अधिकारी के नेतृत्व में बाड़ी शहर में पहुंची, जहां कन्या पक्ष VVPAT मशीन के पिता SDM मुनिदेव यादव ने स्थानीय प्रशासन के साथ सड़कों पर फूल बिछाकर और दरवाजा सजाकर स्वागत किया। शादी समारोह का आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में रखा गया। स्कूल को दुल्हन की तरह सजाया गया। बारात की आगवानी के बाद शहर के मुख्य बाजारों में दूल्हे EVM मशीन की गुड़चढ़ी बैंडवायों के साथ निकाली गई। बैंडवायों की सुरीली धुनों पर स्क्वाड गार्ड के छात्राएं ने मतदाताओं को 100% मतदान के लिए प्रेरित किया। धौलपुर जिले के सैंपउ थाना क्षेत्र के गांव रजौरा खुर्द में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 13 वर्षीय नाबालिग का शव अटल सेवा केंद्र के पास पशुओं के चारे में मिला। वारदात से गांव में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने 100 नंबर पर पुलिस को सूचित कर घटना से अवगत कराया। मामले की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में ले लिया। पुलिस नाबालिग के शव को लेकर सैंपउ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले आई, जहां शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस ने आसपास के ग्रामीणों में सूचना कर नाबालिग की शिनाख्त कराई, लेकिन नाबालिग का कोई पता ठिकाना नहीं मिला। पुलिस ने नाबालिग के शव को सैंपउ CHE की मोर्चरी में रखवा दिया। मामला प्रथम दृष्टया दुष्कर्म के बाद नाबालिग की हत्या का प्रतीत हो रहा है। अस्पताल में पुलिस और चिकित्सक ने नाबालिग के शव का बारीकी और गहनता से जांच की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच में जुट गई है। नाबालिग की शिनाख्त होने पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जाएगी और उसी के मुताबिक कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। 27/18 को हंटर रूम से सूचना मिली कि एक लड़की गांव रजौरा खुर्द में अटल सेवा केंद्र के पास बेहोशी हालत में मिली है, जिसको इलाज के लिए हॉस्पिटल एम्बुलेंस से भेज दिया गया है। इस पर SI अस्पताल सैपुर पहुंचा। डॉक्टर साहब MO साहब ने चेक किया, मृत घोषित कर दिया। इसकी बॉडी की पहचान नहीं हो सकी, बालसाम की तलाश जारी है। 7 दिसंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा बनाई गई विश्वास टीम द्वारा कंचनपुर थाना क्षेत्र और बाड़ी थाना क्षेत्र में
पोलिंग बूथों पर जाकर मतदाताओं से रूबरू होकर निष्पक्ष, निडर और भयमुक्त होकर मतदान करने का भरोसा दिलाया। टीम प्रभारी महेंद्र शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि सोहा, कंचनपुर, लहरपुर, सहरौन आदि गांव के पोलिंग बूथों पर जाकर मतदाताओं को भरोसा दिलाया और कहा कि 7 दिसंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी मतदाता निडर होकर 100% मतदान करें, जिससे लोकतंत्र मजबूत हो। लोकतंत्र के पर्व 7 दिसंबर मतदान दिवस के महाकुंभ को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी नन्नूमल पहाड़िया के निर्देश पर जिला आबकारी अधिकारी संजय सिंह दूलर द्वारा जिले भर में चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए स्थानीय थाने के आबकारी निरोधक दल द्वारा एक आरोपी को देसी मदरा के पब्बे सहित गिरफ्तार किया है। आबकारी निरोधक दल के इंचार्ज गणपत लाल ने बताया कि विधानसभा चुनावों को लेकर उच्चाधिकारियों के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत गश्त के दौरान कार्रवाई करते हुए बाड़ी कस्बे के कंचनपुर थाना क्षेत्र के धनौरा बिजौली सड़क मार्ग से साबिर खान पुत्र शेर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी गाँव गुरुद्वारा केरेलुआ को अवैध देसी मदरा के 21 पब्बा ले जाते हुए धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है। बाड़ी कस्बे के संत नगर मार्ग स्थित मीणा कॉलोनी में एक पत्थरों से भरा ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली नाले में फंस गया, जिससे एक मकान की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। मकान की दीवार क्षतिग्रस्त होते ही परिवार में हड़कंप मच गया। पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से ओवरलोड वाहन कॉलोनियों और हाईवे पर धड़ल्ले से दौड़ गए हैं, जिसका आम आदमी को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लोगों ने मामले की सूचना स्थानीय नगर पालिका प्रशासन को दी। नगर पालिका प्रशासन ने हाइड्रा द्वारा मार्ग को सुचारू किया। वहीं ट्रैक्टर चालक पत्थरों को प्रेशर द्वारा खड़ा कर मौके से फरार हो गया। 7 दिसंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन विभाग और पुलिस विभाग ने शिकंजा कस लिया है। पुलिस अधीक्षक डीडी सिंह के निर्देश पर जिले की 14 सीमाओं पर सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आगरा जिले की सीमा पर थाना प्रभारी टीनू सोगरवाल ने कैथरी बॉर्डर पर सघन तलाशी अभियान चलाया। सीमा पर आने जाने वाले वाहनों की बारीकी से तलाशी ली, साथ ही संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई। थाना प्रभारी ने कहा कि थाना क्षेत्र की सीमाओं पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है, जो आने जाने वाले वाहनों और व्यक्तियों पर पैनी नज़र बनाए हुए है।